जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। 23 मई की मीटिंग के बाद मैंने पहले क्लियरली अपने वीडियो में कह दिया था कि किसी भी हालत में आपके ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकते। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स की हेल्थ और वैक्सीनेशन नहीं हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही उम्दा डिसीजन लिया है कि बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने चाहिए। सीधी सी बात है, बच्चों के हेल्थ के ऊपर नहीं हो सकते। पर अब नेक्स्ट कदम क्या होगा कि किसी भी हालत में 30 जून या मिड जुलाई तक स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स इवैल्यूएट होकर रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ताकि उनका साल खराब नहीं हो। जो सिस्टम पहले से चला आ रहा था, उसी तरीके से हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स राइट टाइम पर एडमिशन ले पाए। क्लास 12th एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, लेकिन 12th का एग्जाम कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अब जो भी रोड मैप बनेगा, जिस भी प्रकार से इंटरनल इवैल्यूएशन या असेसमेंट होगा, पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी को उसका सम्मान करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी यहां से, ये कोविड काल के जो आप स्टूडेंट्स निकले ना, आपके ऊपर तो बड़ी किताबें लिखी जाएंगी। लोग कहेंगे आप लोग उस सिचुएशन में से निकल कर आए हैं जहां पर आपने इसको पूरी तरह से प्रॉपरली फाइट किया है। नाउ बिल्ड योर स्किल्स, स्टार्ट वर्किंग। मैंने लगातार अपने वीडियोस में ये बात कही है, स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स। अगर 100% बच्चा है तो 10% वो बच्चा है जो लगातार अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल कर रहा है। उस 10% की कैटेगरी में आप आइए और दिखाइए, प्रूव कीजिए आप अपने मेटल को, आप अपनी स्किल्स को। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को। हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों की लाइफ मैटर करती है, और अब टाइमली रिजल्ट आ जाएगा तो उनके साल भी खराब नहीं होगा और हायर एजुकेशन के साथ मिल जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।